स्वागत है द न्यू रिगल चैनल में। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग हमारे OnePlus 9RT की, जिसका कि मेरे पास है यहाँ पे रिटेल यूनिट। तो फटाफट से खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं हमें कैसा मिलता है डिवाइस। पहले से देखा जाए जैसे हमारी OnePlus की 9 सीरीज थी उससे थोड़ा पतला बॉक्स है। सो ये रहा हमारा डिवाइस। तो ये रहा हमारा नैनो सिल्वर कलर के अंदर OnePlus 9RT, जिसका कि एक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो डिवाइस है 43,000 रुपीस में आपको मिलता है, 8GB 128GB वेरिएंट। इसके ऊपर 4,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है SBI कार्ड पे, तो मतलब 39,000 रुपीस के प्राइस में ये डिवाइस आपको मिल सकता है। फटाफट से मैं इसको करती हूँ सेटअप और आपको बताती हूँ सब कुछ इस फोन के बारे में। डिवाइस को मैंने स्विच ऑन कर लिया है, सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस डिवाइस के अंदर हमें मिलती है फ्लैगशिप परफॉर्मेंस, तगड़ी परफॉर्मेंस। आपको यहां पे मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। इसके साथ आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR5 की रैम मिल जाती है। अब सवाल यहां पे आता है जो कई लोगों के मन में चल रहा है, कईयों ने मुझे कमेंट किया कि क्या डिवाइस के अंदर हमें हीटिंग थ्रॉटलिंग देखने को मिल रही है या नहीं। तो यहां पे मैंने डिवाइस को भी जैसे सेटअप करने के बाद कुछ टेस्ट रन किए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंड टू टेस्ट की, तो यहां पे हमारा जो स्कोर आया है वो है 770,000 के आसपास। और एंड टू टेस्ट रन करने में डिवाइस के अंदर ज्यादा हीटिंग मुझे देखने को नहीं मिली, मतलब हल्का सा डिवाइस हमारा वार्म हुआ था, हीटिंग इशू अभी देखने को मुझे नहीं मिला। स्टोरेज टेस्ट मैंने डिवाइस का रन किया और उसके अंदर भी हमारा जो स्कोर आया वो काफी अच्छा है। 1760 Mbps के आसपास हमारी रीड स्पीड आई है और 760 Mbps के आसपास हमारी राइट स्पीड आई है। मतलब परफॉर्मेंस तो डिवाइस की हमारी अच्छी निकल के आ रही है, आपको यहाँ पे हीटिंग देखने को नहीं मिलती। इसके साथ मैंने डिवाइस के अंदर यहाँ पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी रन किया था, उस टेस्टिंग में भी मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिला कोई भी हीटिंग इशू। और अगर मैं थ्रॉटलिंग की बात करूं तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। आपका यहाँ पे जो स्कोर आया है वो 95% आया है। तो मतलब कि इस डिवाइस के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो OnePlus ने हीटिंग को भी कंट्रोल कर लिया है, थोड़ा सा डिवाइस आपका सिर्फ वार्म होगा, मतलब 40 डिग्रीज तक ही गया था, और इसके अलावा थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अभी तक तो मुझे इसमें परफॉर्मेंस काफी सही लगी। वैसे मैंने इसमें गेमिंग भी करी थी थोड़ी सी, अभी पबजी ऑन करी थी न्यू स्टेट, उसके अंदर मैंने ग्राफिक्स को बढ़ाया और यहां पे मैंने थोड़ी देर की गेमिंग करके देखा तो यहां पे मुझे कोई प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिल रही थी, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। हालांकि सारी टेस्टिंग करने के बाद रिव्यू में बताऊंगी कि एक्चुअल में रियल लाइफ परफॉर्मेंस डिवाइस की हमारी कैसे निकल के आई, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब परफॉर्मेंस के बाद बात कर लेते हैं अगले मेजर पार्ट के बारे में, जो कि है इस डिवाइस का कैमरा। कैमरास की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक में, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है हमारा IMX766 के साथ। उसके साथ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। साथ ही आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का हमारा सेल्फी कैमरा, जिसमें आपको IMX471 सेंसर मिलता है। सबसे पहले सेटअप की ही बात कर लेते हैं। सेटअप में एक्चुअल में देखा जाए तो आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, वो तो अच्छी चीज हो गई, लेकिन इसके साथ आपको यहां पे कोई टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता, आपको पोर्ट्रेट लेंस नहीं मिल रहा। और उसके साथ यार 40,000 रुपए के प्राइस में मुझे समझ में नहीं आता कंपनियां कैसे 2 मेगापिक्सल का यहां पे कैमरा दे देती है। अब जो मैक्रो शॉट मैंने लिए, यहां पे आप देख सकते हो सैंपल्स, जो मैंने मैक्रो शॉट लिए वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। या तो आप कैमरा मत ही दो, अपने देना है तो कम से कम 5 का दो, एटलीस्ट बंदा कोई फोटो खींचेगा तो वो यूज तो करे। अब यहाँ पे जो पिक्स आ रही है इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए ये चीज देख के ना बड़ा ही मन खराब होता है, इतना कॉस्टली फोन है और उसमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। इसके अलावा 50 वाले के यहाँ पे कैमरा में आप पिक्स को देख सकते हैं कि आपको डिटेलिंग काफी अच्छी मिल जाती है। कलर्स की मैं बात करूं तो वो हमारे काफी पंची आ रहे हैं, मतलब ओप्पो वाला आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है पंची कलर्स के साथ। थार भी एकदम रेड आ रही है और आप देख सकते हो बाकी कलर्स भी एकदम बूस्टेड है। इसके अलावा डायनामिक रेंज अच्छी आ रही है, मैंने कई सारे यहाँ पे पिक्स क्लिक करी थी, आपको डिटेलिंग अच्छी मिल रही है। इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है उसके अंदर भी पिक्स आपको काफी अच्छी मिल जाती हैं, डिटेलिंग अच्छी मिल रही है, मतलब क्रिस्प पिक्स आपको यहां पे देखने को मिलती हैं अल्ट्रा वाइड में। पोर्ट्रेट मोड में यहां पे पिक्स आप देख सकते हो जो मैंने क्लिक करी, उसके अंदर आपको AI तो अच्छा मिल जाता है, मतलब एज डिटेक्शन तो अच्छा निकल के आ रहा है, लेकिन आपको वो डेप्थ इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और जो हमारी पूरी पिक आई है वो थोड़ी सी व्हाइट की साइड आई है, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर कंट्रास्ट की मैं कह सकती हूं यहां पे हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको OIS का सपोर्ट मिलता है इसके बैक कैमरा में। और वीडियो की मैं बात करूं तो
वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा मिल जाता है। इसके साथ आपको यहाँ पे कलर्स पंची मिल रहे हैं, उसके साथ फोकसिंग भी सही है, डायनेमिक रेंज भी हमारी अच्छी निकल के आती है। तो बैक कैमरा का तो ये हो गया हमारा काम, लेकिन अब मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा के बारे में, तो प्लीज यार मुझे समझ में नहीं आ रहा वन प्लस कब ये 471 वाला सेंसर को हटाएगा। अब तो 2022 आ गया यार, अब तो हटा दो। मुझे एक चीज एक्चुअली में समझ में नहीं आती, अगर आप 30,000 पे खर्च कर रहे हो वन प्लस के आप फैन हो तो आपको अच्छी सेल्फीज मिलेगी। मतलब नॉर्ड 2 के अंदर हमें इतना अच्छा कैमरा दिया गया है, 32 वाला जो है बहुत ही प्यारी उसमें सेल्फीज आती है, लेकिन उससे ऊपर जो भी लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, जो 40,000 दे रहे हैं या फिर उनका वो वन प्लस 9 प्रो खरीदे या कोई भी अपना बड़ा डिवाइस खरीदे, उनको सेल्फी तो चाहिए नहीं होती। उनको क्या करनी है सेल्फी, उन्हें अच्छी सेल्फीज का कोई काम नहीं है। ये सोच रहे हैं क्या कोई बैठ के वन प्लस के अंदर, यार ऐसे कैसे हो सकता है? आप पीछे इतनी सारी ब्रांडिंग लेकर आते हो, आप इतने तगड़े तगड़े कैमरास दे रहे हो बैक में, लेकिन सेल्फी कैमरा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं था तो फिर नॉर्ड वालों के लिए भी नहीं होगा, यही तो गलत बात है ना। जो कम पैसे दे रहे उनकी सेल्फीज अच्छी आएंगी, जो ज्यादा पैसे दे रहे उनकी सेल्फीज अच्छी नहीं आएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्फी कैमरा की, मैंने यहाँ पे जो सैंपल्स क्लिक किए हैं, ये जो पिक्स हैं ये आपको बजट वाले जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वैसी वाली आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वैसी वाली आपको यहाँ पे क्वालिटी देखने को मिल रही है। सेल्फी कैमरा की वीडियो की मैं बात करूँ तो उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। उसमें भी मेरा जो फेस है वो बर्न हो रहा है, मतलब आपका अगर तेज लाइट हो पीछे तो बैकग्राउंड भी पूरी तरह से ब्लोन आउट हो जाएगा। सेल्फी कैमरा को लेकर तो एक्चुअल में मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं, पता नहीं कब सुनेगा OnePlus हमारी। इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो यहां पे आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, आपको यहां पे मिलता है E4 एमोलेड डिस्प्ले। अब क्यों चेंज हो गया है ये तो पता नहीं, और कितना डिफरेंस है ये भी आपको मैं बताऊंगी रिव्यू में। इसके अलावा इसके अंदर हमें 6.62 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिल रही है। अभी तक तो जैसे जी मैंने डिस्प्ले को बाहर भी यूज किया, इंडोर में भी यूज किया, तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। मूवीज वीडियोस भी आपको बढ़िया तरीके से लगेंगे, कलर्स अच्छे मिल जाते हैं, आपको ब्राइटनेस अच्छी मिल रही है। इसके साथ अगर मैं बात करूं 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के बारे में, तो यहां पे आपको काफी स्मूथ एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। मतलब एक तो हमारा प्रोसेसर ही बड़ा तगड़ा है, उसके ऊपर से 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आप अगर कार रेसिंग वाली गेम खेलते हो तो उसमें बहुत ही बढ़िया आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब एकदम स्मूथ ग्राफिक्स लगेंगे जिसमें आप गेमिंग को भी अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। इसके साथ डिवाइस के अंदर हमें मिल जाते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और आपको डॉल्बी एटमॉस की साउंड मिल जाती है, जिसमें आप सुन सकते हैं यहाँ पे सैंपल। तो काफी लाउड एंड क्लियर यहाँ पे साउंड मिल जाती है, तो आप अच्छे से डिवाइस को एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि आपको डिवाइस के अंदर 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता, ना ही आपको बॉक्स के अंदर कोई कनेक्टर मिलता है, ना ही ईयरफोन्स मिलते हैं, तो ये सब चीजों का ध्यान रखें जब आप इस फोन को खरीदते हैं। इसके अलावा वैसे डिवाइस की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे है हमारे पास 4500 mAh की बैटरी। अब आज की डेट में देखा जाए तो फोन्स की यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऊपर से 888 प्रोसेसर इसके अंदर हमारे पास, तो मुझे लगता है कि 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिलती है और बैटरी 4500 mAh की ही है। देखते हैं आगे जाके यूज करके कि बैटरी बैकअप कैसा निकल के आता है। वैसे डिवाइस के साथ आपको 65 W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, और उसके साथ आपको बॉक्स के अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं टाइप सी केबल, साथ ही है हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टिकर्स हैं, और उसके साथ है हमारा बैक केस। और बैक केस देखा जाए तो हमें काफी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है वन प्लस की बैजिंग के साथ, जो कि बढ़िया लगेगा अगर आप इसको लगा के यूज करते हैं। वैसे देखा जाए तो डिवाइस की लुक जो है वो मुझे काफी अच्छी लगी, आपको यहाँ पे सिल्वरिश का इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस डिवाइस के अंदर। ये मेरा नैनो सिल्वर कलर है, और इस डिवाइस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें ग्लास बॉडी मिल जाती है, मेटल की फ्रेमिंग मिलती है, प्रीमियम लगेगा डिवाइस आपको हाथ में होल्ड करने में, और काफी सॉलिड फील आएगी। इसके साथ एक हाथ से होल्ड करके यूज करने में प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इसके एजेस हमारे कर्व्ड हैं, मतलब ऐसे कोई नहीं, स्लिपरी डिवाइस भी नहीं है, पूरी तरह एक हाथ से यूज भी किया जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। डिवाइस के अंदर वैसे हमें यहाँ पे IP68 डस्ट एंड वाटर रेटिंग नहीं मिलती, मतलब वायरलेस चार्जिंग भी नहीं मिलती, लेकिन वो अगर नहीं भी मिलती तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो कुछ लोग ही यूज करते हैं। लेकिन जो IP68 रेटिंग होती है, ये मुझे लगता है कि 40,000 रुपए के बजट में जितने भी डिवाइसेस आते हैं ना, उन सब में मिलनी ही चाहिए।
अब यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा इस डिवाइस के नीचे की साइड आप देख सकते हैं हमारे पास स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है, उसके साथ है माइक, साथ ही आती है हमारी सिम ट्रे जिसमें आप अपने दो सिम कार्ड डाल सकते हैं। आपको डिवाइस के अंदर 5G सपोर्ट मिल जाता है, वो भी मल्टीपल बैंड्स में। राइट साइड में है हमारे पास पावर बटन और उसके ऊपर है हमारे पास अलर्ट स्लाइडर जो कि OnePlus फैंस का सबसे फेवरेट पार्ट होता है। ऊपर की साइड है हमारे पास सेकेंडरी माइक, उसके बाद नेक्स्ट साइड में है हमारे पास वॉल्यूम रॉकर्स। सो गाइस ये था हमारा डिवाइस जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो मतलब इतना कोई एक्साइटिंग सा डिवाइस मुझे नहीं लगा। मतलब OnePlus ने देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगा दिया इस फोन को लाने में। अभी देखा जाए तो सब लोग एक्साइटेड हैं कि 10 सीरीज जो आने वाली है OnePlus की उसको लेने के लिए, उसको देखने के लिए कि क्या लेकर आते हैं। सबके अंदर एक्साइटमेंट बनी हुई है। अब उस टाइम पे ये डिवाइस आपने निकाला है। अब आज की डेट में देखा जाए अगर कोई इस फोन को खरीदता है और कुछ ही दिनों में अभी हमारे पास OnePlus की 10 सीरीज आ जाएगी तो वो बंदे को मतलब एक्साइटमेंट उसी की खुद की खत्म हो जाएगी कि अभी उसने नया एक फोन खरीदा लेकिन वो सीरीज ही पुरानी हो गई। सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये जो डिवाइस है उसमें कुछ ज्यादा एक्साइटिंग सा कुछ मजा सा नहीं आया। और अगर आपने इस फोन को खरीदना है तो मेरे हिसाब से अभी रुक जाओ क्योंकि अभी 10 सीरीज को आ जाने दो, पता नहीं उसमें क्या नई कोई चीज आ जाए, कोई अच्छी चीज मिल जाए आपको तो ये लेना कहीं आपका बेकार ना हो जाए। और अगर 10 सीरीज महंगी आती है या उसमें कुछ नया ज़्यादा अच्छा नहीं लगा आपको और आपको यही लेना है तो तब आप ले लेना इसको, कहाँ ये कहीं जाने तो वाला है नहीं। सो गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही ये भी कमेंट करें कि ये डिवाइस आपको कैसा लगा। सो अभी के लिए बाय बाय।